بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. अब जो है हम लोग लिखेंगे दाल. दाल के लिए सबसे पहले आप लोगों ने इस तरह के एक स्ट्रोक बनानी है. मेक श्योर कीजिएगा कि मैंने बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लगाई, ये बेंड है हल्की सी, ठीक है. देन इसी स्ट्रोक की एंडिंग से नीचे की जानिब आना है और फिर ऊपर. ले जाना है इसको, इसको हम नीट करेंगे. ठीक है, इस तरीके से. इस तरीके से जो है वो दाल लिखी जाएगी. देन आप लोगों ने इसका ऊपर से ताज बनाना है. ठीक है, और यहाँ से इसकी गुलाई कर देनी है. ठीक है, अब जो है ये पोर्शन कितने कद का है? 1, 2, 3, 4. ये पोर्शन जो है पूरे 4 कद का होता है. ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का जो फासला, यानी पहली स्ट्रोक से लेके कि कितना आगे हम लोगों ने इसकी गुलाई को लेकर जाना है, वो 1 कद की होती है. ठीक है, ये तकरीबन 1.5 आ रहा है यहाँ पे, 1.5 और 1 कद, इतना मार्जिन रख सकते हैं. फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का फासला जो है वो 4 कद का होता है. ठीक है, और यहाँ से यहाँ का भी 4 कद. फिर डिसेंड कितना होना है? यह आ जाएगा 1 कद और ये 2 कद. 2 कद के बराबर आप लोगों ने नीचे लेकर आना है इसको. यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4, ये इक्वल है. इस तरीके से जो है आप लोगों की दाल लिखी जाएगी और ये कंप्लीट.